मैं खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। यूपी में पदयात्रा करने पहुंचे बीजेपी विधायक, नाराज लोगों ने सीवर के पानी में करा दी सैर, वीडियो वायरल। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सोशल मीडिया में बीजेपी विधायक की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बारे में जानने के बाद लोग जो है वो लोगों की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि लोगों ने जो कदम उठाया है वो काफी ज्यादा अच्छा कदम है और हर किसी को ये कदम उठाना चाहिए। जैसे कि आज महंगाई हर जगह पर बढ़ रही है, आपके वहां पर पेट्रोल के दाम इस वक्त क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि महंगाई के चलते हुए खाने के ऑयल के दाम, खाने के दाम, फ्रूट्स के दाम और मीट के दाम में GST लगना या काफी सारे ऐसे दाम जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि आम इंसान जो कि दिन का 200 रुपए कमाता है वो कैसे अपने पूरे परिवार को चलाएगा। तो पूरे लोगों को इसके ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए अपने विचार जरूर बताइए। आज हमारे सामने बीजेपी विधायक को लेके एक बहुत ही बड़ा मामला आ रहा है, जो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के ननहाई गांव से आ रहा है, जहां पर बीजेपी विधायक जिनका नाम कमल मलिक बताया जा रहा है, वो 4 साल के बाद जीतने के बाद अपने गाँव वापिस आए। जब उनको जीतना था, जब वोट्स डालनी थी, तब वो घर घर पे गए थे और वहां पर लोगों की समस्या सुनी थी, जहां पर लोगों ने बोला था कि कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्का करवाना चाहिए और उस दौरान ही सीवरेज का पानी जो है जब बारिश आती तब बाहर निकल जाता है और इस दौरान ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, गंदगी काफी ज्यादा होती है। उस वक्त विधायक कमल मलिक ने काफी सारे वादे किए थे, पर जीतने के बाद वो 4 साल के बाद वापस जब अपने गांव में आए, तब उस दौरान ही जब एक ऐसे जो एक ऐसे इवेंट रखा गया था तब वहां पर मौजूद थे, तो काफी सारे लोग उनके ऊपर भड़क उठे। इस दौरान ही वीडियोस में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि एक शख्स उनको लेके जाके सीवरेज के पानी में खड़ा कर देता है और वहां पर पदयात्रा करवाता है, वहां पर सैर करवाता है। और उनका कहना ये है कि पहले तो आपने वोट डलवाई और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। और जब विधायक से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि हर किसी की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा किया जाएगा, हमने काफी सारे लोगों को, अधिकारियों को ये सब चीजें करने के लिए बोला है, हालांकि पक्की सड़क तो बनवा दी थी पर सीवरेज का पानी अभी भी ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर काम अभी किया जाएगा, इसके ऊपर नजर मैं डालूंगा। तो आई होप गाइस आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जो ये लोग पॉलिटिक्स हैं वो वोट डलवाने के लिए आप लोगों को काफी सारी मीठी मीठी बातें करते हैं, ये पहली बार नहीं है, ये काफी बार हो चुका है। क्या अभी जनता को जागना नहीं चाहिए? क्या जनता को एक्चुअली में आंखें बंद करके वोट डाल देनी चाहिए? क्या है आपके विचार? इस बार आप लोग कौन सी सरकार चाहते हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।